बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने रिसेंटली अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड और अपने मैरिज लाइफ के ऊपर क्वेश्चन पूछने पर उन्होंने एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया है, जिसे सुनने के बाद सलमान के चाहने वालों, जो भी सीक्रेटली उन्हें चाह रहे होंगे या फिर उनसे शादी करना चाहते होंगे, उनके दिल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अरमान जाग चुके रहेंगे। आखिर क्या कहा है, कहाँ कहाँ है सलमान ने, ये चीज़ें आई नजर डालते हैं पूरे इस वीडियो पे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूज, मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं कि सलमान खान रिसेंटली अपने न्यू मूवी के रिलीज की वजह से चर्चे में बने हुए हैं, जिस मूवी का नाम है किसी का भाई किसी की जान, जो 21 अप्रैल 2023 को इसी महीने ही रिलीज हुई है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं, सलमान खान किसी पहचान, उनके लिए कोई स्पेशल आइडेंटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, उनके नाम ही अपने आप में एक ब्रांड है, उनके नाम से लोग जान जाते कि आखिर वो कौन सी पर्सनैलिटी है। और सलमान खान आज आपकी अदालत में मौजूद हुए हैं, जो कि फेमस जर्नलिस्ट रजत शर्मा का एक शो है आपकी अदालत, जो कि इंडिया टीवी पे होता है। वहाँ पे सलमान खान आपकी अदालत में तशरीफ फरमाए हैं उनके कहने पर। तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल होते हैं, एक घंटे का स्पेशल शो होता है। एक घंटे के शो में जब रजत सर ने उनसे ये सवाल किया कि आपकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड या बीवी, जो भी आपकी वाइफ बनेगी, उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन, आप शादी विधि करने वाले हो या क्या है, अभी आप फाइनल बता दीजिए। तब उन्होंने कहा कि शादी करने का इरादा तो कल तक नहीं था, लेकिन आजकल बन रहा है, मन तो कर रहा है मेरा भी कि मैं शादी करूं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि मेरा मन करता था तो सामने वाले से ना आ जाता था, कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा ना रहता था और सामने वाले का हाँ रहता था, और आजकल तो ऐसा है कि दोनों साइड से ही ना हो रहा है। ये शादी विधि सब ऊपर वाले की मर्जी की बात है, जब दोनों साइड से घंटी बजेगी तो डेफिनेटली शादी हो जाएगी, दोनों साइड से मर्जी होनी चाहिए। और अभी तो घर वालों के साइड से प्रेशर आने लगा है कि अभी 57 का हो गया है, अब कब शादी करेगा, अब 57 का हो गया तो कोई अब रिलेशन मत रख, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह मत पड़ा, अब जो करेगा फाइनल कर और बीवी बने टाइप ही मटेरियल ढूंढ, ना कि गर्लफ्रेंड, क्योंकि फिर गर्लफ्रेंड बनेगा फिर कुछ चीज़ें होगा, इससे अच्छा कि तू वाइफ मटेरियल ढूंढ। अगर मेरे पेरेंट्स चाहेंगे तो मेरे लिए शायद ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो मेरे पे ये चीज़ डाल रहे हैं कि तेरी लाइफ है तो तू ढूंढ, और ये एक प्लस पॉइंट है। सारी जनरेशन भी ये चीज़ से सीखनी चाहिए, सारे अभी की जनरेशन के जितने पेरेंट्स हैं उनको भी ये चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए कि बच्चों को उनके मर्जी के हिसाब से शादी करनी चाहिए और उसके की अकॉर्डिंग ही पार्टनर ढूंढनी चाहिए। तो मेरे मॉम डैड भी इस चीज़ के लिए बोल रहे कि तू 57 का हो चुका है, अब तो शादी कर ले, शादी करेगा तेरा क्या प्लान है, और करेगा तो अभी डायरेक्टली वाइफ मटेरियल ढूंढ, ना कि गर्लफ्रेंड के पीछे भाग। तो मैं भी इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई तो मुझे एक अच्छी मिल जाए जो दोनों साइड से हाँ हो, वो भी मुझे देख के राज़ी हो और मैं भी उसे पाने के लिए राज़ी हूँ, तब जाके शादी की बात हो सकता है। फिलहाल तो बस इतना ही। और सलमान खान के ये जैसे स्टेटमेंट ने दिया तो कहीं ना कहीं इनके फैंस के मन में, जिन्होंने ये सोच लिया था शायद सलमान कभी उन्हें सहरे के लुक में, दूल्हे के लुक में देखने का जो सपना सारे फैंस का अधूरा रह गया था, शायद ये पूरा भी हो सकता है, क्योंकि बॉलीवुड की इंडस्ट्री में कुछ भी होना नामुमकिन नहीं है। और सलमान की पर्सनल लाइफ जैसे रही है वो किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सलमान आने वाले टाइम में भी शादी कर ले। लेकिन अब तक ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो कहा है वो मजाक में कहा रहेगा, लेकिन कहते हैं ना एक टाइम आने के बाद सभी को रियलाइज़ हो जाता है कि हर किसी को एक जीवन साथी की ज़रूरत होता है, तो शायद सलमान को ये बात का रियलाइजेशन हो चुका है, द रीज़न उन्होंने ये सवाल पूछने पे ऐसा रिएक्शन दिया है। इस पे आपका क्या रिएक्शन है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फीफा फूज।